हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे। आज की स्टूडियो में बात करने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2019 के बारे में, क्या कुछ लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो यहाँ पर आप बात करने वाले दोस्तों कि टीयर वन का जो रिजल्ट है यहाँ पर कब तक जारी हो जाने वाला है, यहाँ पर कितने बजे तक। जैसे कि दोस्तों आप सब लोग पता है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है काफ़ी पहले यहाँ पे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो सीएचएसएल का रिजल्ट है 15 जनवरी को यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, सर यहाँ पे जो रिजल्ट है कितने बजे तक आएगा। जो स्टूडेंट्स काफ़ी समय से एग्जाम दे रहे हैं उन सब लोगों को पता है कि जो रिजल्ट है यहाँ पे 6 बजे के आसपास यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पे पहली बार एग्जाम दिया है, क्योंकि 12th बेस्ड एग्जाम होता है यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का, जिसका टीयर टू एग्जाम आपका यहाँ पे फरवरी में होने वाला है और उसके बाद आपके यहाँ पे टाइपिंग की डेट आने वाली है, तो आपका टीयर वन का जो रिजल्ट है यहाँ पे आज शाम को 6 बजे के आसपास यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत और इंतजार करना पड़ेगा और आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार पूछ रहे हैं सर कट ऑफ क्या रह सकती है टीयर वन की, क्योंकि जो पेपर है इस बार कई शिफ्ट है वो काफ़ी इजी यहाँ पे आ रखा था, तो कट ऑफ क्या रहने वाली। तो कट ऑफ अगर हम बात करें दोस्तों यूआर कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ है यहाँ पे लगभग 148 से 152 के आसपास आपके यहाँ पे रह सकती है। तो दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ही कट ऑफ है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आप सब लोग जो कट ऑफ है इसी के आसपास यहाँ पर रहने वाली है, या इसमें आप सब लोग यहाँ पे प्लस माइनस 5 यहाँ पे कर सकते हैं और आपकी जो लगभग कट ऑफ है इसी के आसपास यहाँ पे रहने वाली, क्योंकि पेपर है जो काफ़ी आसान आया था इस बार के अगर हम बात करें। क्योंकि अगर हम बात करें 2017 के अंदर जो प्री की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 143.5 यहाँ पे गई थी यूआर कैंडिडेट्स की, और उस समय नॉर्मलाइजेशन भी नहीं था, इस समय नॉर्मलाइजेशन भी है, तो इसी वजह से आप सब लोग जो कट ऑफ है इसी के आसपास यहाँ पर रह सकती है। तो ये कट ऑफ आपके लिए यहाँ पे यूआर कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ है यहाँ पे रह सकते हैं। अगर हम बात करें एसटी कैंडिडेट्स के लिए तो लगभग 105 से यहाँ पे 108 के आसपास एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ है वो यहाँ पे रह सकती है, यानी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 105 से 108 के करीब आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पे रह सकती है। एससी कैंडिडेट्स की इससे लगभग थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। बात करें उनकी तो लगभग 112 से 116 तक यहाँ पे एससी कैंडिडेट्स की कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 142 से 146 के आसपास उनकी जो कट ऑफ है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है, और आज आप शाम को पता लग जाएगा जो फाइनल कट ऑफ है वो यहाँ पर क्या रह सकती है। तो फिलहाल यही कुछ लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों आप सब लोगों के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड। जो भी आएगी सब कुछ ऑफिशियल अपडेट आपको यहाँ से मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।